हुआ रवि तेजा की मूवी पर केस। हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची एंड स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियो के एक नए वीडियो में। बॉलीवुड निर्देशक रतन जय ने दिल्ली हाईकोर्ट में रवि तेजा के फिल्म के मेकर्स पर केस दर्ज करवाया है। दरअसल 1992 में भी एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसका नाम खिलाड़ी ही था और इस फिल्म को निर्देशित किया था रतन जैन ने। हाल ही में रिलीज हुई साउथ अभिनेता रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी रिलीज होते ही विवादों में आ गई है। दरअसल बॉलीवुड निर्देशक रतन जैन का कहना है कि मेकर्स ने उनकी फिल्म खिलाड़ी को कॉपी किया है, उनकी फिल्म के टाइटल को कॉपी किया है, क्योंकि 1992 में फिल्म आई थी उनकी खिलाड़ी जिसमें अक्षय कुमार थे और ऐसे में रवि तेजा की फिल्म का नाम भी खिलाड़ी रखने से पहले मेकर्स ने उनसे परमिशन उस बात की नहीं ली थी। एक इंटरव्यू में रतन ने कहा, हमारे पास खिलाड़ी नाम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, ये ट्रेडमार्क पूरे देश के लिए है और ऐसे में कोई भी खिलाड़ी नाम का शीर्षक यूज नहीं कर सकता है। वहीं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि सुनवाई करते वक्त 11 फरवरी को जज ने बताया कि अब इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, पर हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फिल्म पर रोक नहीं लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते मेकर्स ने ऐसा क्यों किया और फिल्म का ट्रेलर भी काफी देर से आउट किया गया। फिल्म रिलीज होने से 2 दिन पहले इसका ट्रेलर आउट किया गया था। उन्होंने कहा, 8 फरवरी को ट्रेलर आउट किया गया, 9 फरवरी को हमने केस की तैयारी की और 10 फरवरी को इसको हमने कोर्ट के सामने रखा, इसलिए हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं की गई। वो आगे कहते हैं, उन्होंने फिल्म का टाइटल लिया है, कल हो के वो किसी और बॉलीवुड की बड़ी फिल्म का टाइटल लेंगे, ऐसे में परेशानी होगी। उन्होंने आगे कहा, अगर आज आप गूगल पर खिलाड़ी नाम सर्च करते हैं तो आपको तेलुगु फिल्म ही नजर आएगी, ऐसे में ये कॉपीराइट का मामला है। गौरतलब है कि मेकर्स ने इस टाइटल को साउथ एसोसिएशन में रजिस्टर कराया है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इस मामले में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।